अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा नीलम वैली का तो उसमें हम लोग थे कुटन वाटरफॉल और अभी हम वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं केरन की तरफ। अच्छा, जब आप आ रहे होते हैं नीलम वैली से तो बीच में एक जंक्शन पॉइंट आता है जहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आप टर्न करें तो कुटन वाटरफॉल है और राइट साइड पर टर्न करें तो वो आठ मुकाम और केरन की तरफ रास्ता जाता है। तो हम पहले वहीं से गए थे कुटन वाटरफॉल और वहीं से कंटिन्यू करें केरन की तरफ। अच्छा, रास्ता जो है आपके सामने ही है, रास्ता बहुत ही अच्छा है। क्या शाइनिंग है, अच्छा। तो जैसे ही हम केरन की तरफ जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में जगह जगह बकरियों के लिए बरिस्ता मिल रहे थे, जो कि शायद सर्द मौसम शुरू होने वाला है तो ये सब लोग जो है वहाँ से अपने सारे जानवर ट्रांसफ़र कर रहे होंगे गर्म इलाकों में। और जब हमारा सफ़र केरन की तरफ था तो थोड़े टाइम बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से आस पास जो है ना नेचर को उसने मतलब पहाड़ों। अच्छा, जब हम केरन की तरफ जा रहे होते हैं तो इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि दया नीलम जो है ना यहाँ पे तकरीबन आपके साथ साथ ही होता है, क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स में ये है कि रोड बहुत ऊंचे और बहुत ही नीचे दरिया होता है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन साथ साथ ही जा रहा होता है। डिस्टेंस अगर ऊंचाई देखी जाए तो बहुत कम होती है। अच्छा, तो केरन से थोड़े से पहले ही ना एक वहाँ पे हमें होटल नज़र आया, होटल नीलम वैली, तो हमने वहीं रुकने का फ़ैसला किया। और जैसे ही वहाँ पे रुके तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो वहीं ये जो अभी आप देख रहे हैं ये दरिया के मनाज़र ये होटल के अंदर से ही है। वहाँ पे थोड़ी देर रुक के रिकॉर्डिंग की, साथ जो है सामने ही हमारे पास ये इंडियन ऑकोबाइड कश्मीर है, ये उनका शायद स्कूल था। यहाँ पर भी काफ़ी लोग बाद में आए, वो क्रिकेट वगैरह भी खेलते रहे। अच्छा, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, खाना खाया और फिर हमने प्लान किया कि हम चलते हैं अपर नीलम। तो अपर नीलम का रोड भी जो है तो बहुत स्टीप। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद ये वहाँ के व्यूज़ हैं, चारों तरफ पहाड़ थे, बहुत ही एक कह लें कि नज़ारा था ना बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ टाइम हमने यहाँ पे गुजारा, चाय वगैरह पी और फिर हमने सफ़र किया वापसी का अपने होटल की तरफ। तो वापसी पे हमें जो है ये पॉइंट नज़र आया जो दरिया गुजर आया, एक साइड पे हमारे पास पाकिस्तान साइड आज़ाद कश्मीर और दूसरी साइड में हमारे पास इंडियन ऑकोबाइड कश्मीर है। अच्छा, तो ये था यहाँ तक का। नेक्स्ट जो हमारे पास जर्नी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करिएगा, अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।